बस बस कीजिए एसएचओ साहब। आपने मुझे जेल में डालना है ना, आप डाल दें प्लीज। इज्जत को इस तरह ना उछाले प्लीज। जनाब अभी इज्जत उछली कहाँ है? वो लोग बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं, वरना अब तक खबर छप चुकी होती। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा एक दिलनशी नामी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर अपने घर से गायब हो गया है। बस सब दुआ करो कि वो लड़का मिल जाए। वो लड़का कहीं बैठा अय्याशी कर रहा होगा और आपको मैं ही मिला हूं गरीब, मैं ही गरीब मिला हूं इस नाम की कार्रवाई के लिए। आप खुद बताएं ऐसे जो साहब, अगर वो लड़का गायब है तो उसमें मेरा क्या कसूर? क्या ये मैसेजेस साबित करते हैं कि उस लड़के के गायब होने में मेरी बहन का हाथ है? ये मैसेजेस ये साबित तो करते हैं कि आपकी बहन का जोरों से इश्क चल रहा है उस लड़की के साथ। ये आखिरी मैसेज सुनो। हमजा, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? हाँ दिलनशीन, मैं कह रहा हूं ना, तुम परेशान मत हो, वो मान जाएंगे। वेरी होपफुल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं घर वालों से बात करता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमजा प्लीज अपने घर वालों से बात करो और जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। दिलनशीन, I love you, I really love you। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती और ये मैं होने भी नहीं दूंगा। हाँ, तो आपकी तरफ से हाँ है ना?